नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन डिफेंस सर्विस में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गर्ल्स CRPF में कैसे जा सकती हैं, गर्ल्स के लिए CRPF में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, जैसे कि हाइट, एज, वेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। इस वीडियो में आज हम आपको CRPF में कॉन्स्टेबल के पद का सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो CRPF में आप दो तरह से जा सकते हैं। पहला तो इसके फॉर्म अलग से निकलते हैं, जो CRPF द्वारा समय समय पर वैकेंसी निकलती रहती हैं, और दूसरा SSC GD के द्वारा भी आप CRPF को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि जो वैकेंसी CRPF द्वारा अलग से निकाली जाती है, उसके द्वारा कैसे भर्ती हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। तो इसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की एज 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए, और OBC कैंडिडेट की एज 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए, और SC ST कैंडिडेट की एज 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। और अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आप 10वीं पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। तो जब भी CRPF की वैकेंसी निकले, तो उसका फॉर्म भरने के बाद आपको सबसे पहले फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है। दूसरा, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है, जैसे 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट। तीसरा, आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होता है, इसमें आप 10वीं की मार्कशीट भी दिखा सकते हैं। चौथा, अगर आप EWS कैटेगरी में हो, तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा, वरना आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और पांचवा, आपको अपनी एक ID प्रूफ भी लेकर जानी होगी, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड। इनमें से आपके पास एक ID जरूर होनी चाहिए। और अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, तो आप उसे भी जरूर लेकर जाएं, वरना आपको वहाँ उसका लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका PST होगा। PST में आपकी हाइट, वेट और चेस्ट मापी जाएगी। अगर बात करें हाइट की, तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST कैटेगरी की फीमेल्स की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद आपका वेट मापा जाएगा। लड़कियों का मिनिमम वेट 48 kg तो होना ही चाहिए, और लड़कियों की चेस्ट नहीं मापी जाती है। इस प्रकार आपका PST कंप्लीट करा लिया जाता है। PST में पास होने के बाद आपका PET टेस्ट करवाया जाता है। इसमें आपसे रनिंग करवाई जाती है, उसके बाद ऊंची कूद और लंबी कूद करवाई जाती है। वहाँ पर लड़कियों को 800 मीटर की दौड़ 6 मिनट में लगानी होती है। उसके बाद लंबी कूद 6 फीट की लगानी होगी, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। उसके बाद आपको ऊंची कूद 2.5 फीट की लगानी होगी, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलते हैं। इस तरह आपका फिजिकल कंप्लीट करवा लिया जाता है। इसका फिजिकल काफ़ी आसान होता है। फिजिकल में पास होने के बाद फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में आपके GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सभी आपके 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर आपकी फुल बॉडी को चेक किया जाता है। मेडिकल में क्लियर होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, और आपको देश सेवा करने का मौका मिलता है। और अगर बात करें इसकी सैलरी की, तो स्टार्टिंग में आपको 21,700 रुपये का पे स्केल मिलता है, और प्लस सरकार द्वारा जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सभी दी जाती हैं। तो ये था CRPF में कॉन्स्टेबल का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।